हर राजनीतिक दल को विपक्ष का अधिकार है कि अपने सामने वाले विपक्ष पर कुछ भी बोल करके अपना मैसेज दे देश में। और जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारे, और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़ कर के सत्ता में नहीं आए, औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी। नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीब के लिए जीता है, गरीब के लिए मरता है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पीएम बनाने की चर्चा तेज हुई है, तब से राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार महागठबंधन की सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है, और इसी बीच अब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनकी औकात दिखा दी है। बता दें कि बेगूसराय पहुंचे थे गिरिराज सिंह, जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि हर राजनीतिक दल और विपक्ष को यह अधिकार है कि सामने वाले विपक्ष पे वो कुछ बोले और देश को एक मैसेज दे। लेकिन नीतीश कुमार औकात की बात करते हैं, जो कभी अकेले दम पे सत्ता में नहीं आए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वो नरेंद्र मोदी को औकात दिखाने की बात करते हैं, जिनकी खुद की कुछ औकात नहीं है। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीबों के लिए जीता है, गरीबों के लिए मरता है। देखिए किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है और किस तरीके से उनको उनकी औकात दिखाई है। हर राजनीतिक दल को विपक्ष का अधिकार है कि अपने सामने वाले विपक्ष पर कुछ भी बोल करके अपना मैसेज दे देश में। और जो नीतीश बाबू ने औकात दिखाने की बात की है, देहात की कहानी है, अपन बियाह ने सूरदास के बरतुहारी, 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 2010 में 85 सीट था, आज घट के 43 पर आ गए, और आज तक अकेले कभी चुनाव लड़ कर के सत्ता में नहीं आए, औकात दिखाने चले हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, गरीब के लिए जीता है, गरीब के लिए मरता है। देखिए, कोई भी धर्म जब कट्टरता की ओर जाता है तो ये उस धर्म का समझिए एक तरह से विनाश होना तय है। आज हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो एकादशी करते वो भी हिंदू, जो नहीं करते वो भी हिंदू। हम कभी बाध्य नहीं करते, कोई चाहे जाकर के मस्जिद में पूजा कर ले, हमें कोई एतराज नहीं, जब उनको यही इच्छा है तो वो करें। लेकिन अगर कोई महिला ये काम करती है गणेश पूजा, और उसको आप फतवा जारी करते हैं, तो कट्टरवादिता का निशानी है। कट्टरवादिता कभी समाज को जोड़ नहीं सकता, तोड़ जरूर सकता। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।